गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है डे 3 और यहाँ से निकलने का दिन। सो बहुत मज़ा आया मुझे तो दो दिन। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, ये आप देख सकते हो कि सुबह सुबह यहाँ पर कितना मस्त एनवायरनमेंट है। लोग जनरली सुबह उठ के जल्दी बीच वगैरह पर जाते हैं। आज हमारा प्लान कोई नहीं है ऐसे बीच पर जाने का, नाश्ता करके हम लोग निकल जाएंगे। सो ये है रास्ता दिव्यागढ़ बीच पर जाने का। यहाँ से हमारे होम से सिर्फ काफ़ी पास में ही है और यहाँ पर हम लोग जनरली, आपको तो पता है, डिनर लंच वगैरह ब्रेकफास्ट करते हैं। सो कल रात को मैंने बाइक यहीं पे पार्क कर दी थी क्योंकि वहाँ पे 3 कार वगैरह आ चुकी थी, तो मैंने बाइक यहीं पे पार्क करी हुई है। सो चलो आज देखते हैं आज नाश्ते में क्या है। सो नाश्ते में इसको क्या बोलते हैं, घेवण। सो ये डोसा नहीं है, नहीं नहीं डोसा है, ये चावल से ही बनता है बट, और इसको घेवण बोलते हैं। और मोस्टली आपको ये कोंकण साइड पे ही मिलेगा खाने के लिए, मुंबई साइड वगैरह पे नहीं मिलेगा। तो खाइए ना पहले ऑफिस। हाँ मैं भी ऑफिस में, यहाँ पे एक था लड़का तो वो लेकर आता था ऑफिस में डब्बे में। ऑल राइट, सो अपना बादल रेडी हो चुका है, लगेज लोड हो चुका है, बट करिश्मा अभी तक तैयार नहीं हुई। क्या करिश्मा, कितना टाइम लगा थी तैयार होने को? एक्सप्रेशन देखो मुंह पे उसका, ऐसा लुक दे रही है ना, मेरे को डर लगता है अभी इससे, वो डराने लग गई है आजकल ये मुझे। बाय बाय दिव्यागढ़, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। अभी जब आएंगे नेक्स्ट टाइम तब और धमाल करेंगे। फिलहाल टाइम हो चुका है 10:56, ऑलमोस्ट 11 o'clock, और टोटल डिस्टेंस हुआ है ट्रिप का 233 किलोमीटर्स। अब यहाँ से और 94 किलोमीटर्स टू मांडवा जट्टी। सो रिटर्न लेग में जो पहला स्टेज है वो है दिगी से अगरडांडा तक बोट, और फिर वहाँ से आगे। सो पहला स्टेज अपनी फर्स्ट बोट राइड आज दिन की यहाँ से होगी, और यहाँ से दिगी तक का रास्ता एकदम मस्त है, पूरा सीमेंट रोड है। आई विश ऐसा रोड पूरे कोंकण में हो जाए तो क्या ही मज़ा आएगा। तो हम लोग पहुंच गए दिगी जट्टी पे। अभी यहाँ से हम लोगों को बोट लेकर अगरडांडा तक जाना है। अब वो बोट आ रही है हमारी, और बोट के जो पैसे हैं वो आपको बोट में ही देना है। सो पैसेंजर का, व्हीकल का आपको बोट में ही पैसा देना पड़ता है, पहले से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जगह काफ़ी सारी होती है, आपको ईजिली मिल जाएगा स्पेस, उसमें अंदर बैठने के लिए भी जगह है और गाड़ी रखने के लिए भी जगह है। चलो सो परसों जब हम आए थे तभी भी हम लोग दिगी क्वीन से ही आए थे, और जब हम जा रहे हैं तो भी दिगी क्वीन से ही जा रहे हैं। सो ये हमारे कुछ फ्रेंड्स मिल गए जो महाड़ से आए थे यहाँ घूमने के लिए, हमारे साथ शिप पे थे अभी। सो नाइस मीटिंग यू ऑल, नाइस मीटिंग यू। फॉर सम रीज़न हम लोग मुरुड़ जंजीरा फोर्ट वगैरह विजिट नहीं कर पाए। सो अभी प्लान ये है कि हम लोगों ने वो रूट लिया है जहाँ से हम लोगों को मुरुड़ जंजीरा एकदम पास से ही दिख जाएगा, तो हम लोग वहीं से अभी रास्ता लेके जा रहे हैं। सो उस दिन लाइक परसों आते वक्त ना हम लोगों ने ये रूट नहीं लिया था, हम लोगों ने दूसरे रूट से घूम कर आए थे। सो तो मुरुड़ जंजीर इतने पास से नहीं दिखा था, लेकिन आज दिखेगा, और ये यहाँ से उसका व्यूविंग पॉइंट है। सो ये सारी बोट्स वगैरह यहाँ पर आपको दिख जाएगी, और सामने मुरुड़ जंजीरा भी दिख जाएगा, और है वहाँ से रास्ता जाने के लिए, तो वहीं से जाते हैं चलो। इस गाँव का नाम है राजापुरी, मुरुड़ और 5 किलोमीटर आगे है, और अलीबाग यहाँ से 55 किलोमीटर है। सो अभी हम लोग यहाँ पर नहीं रुके बिकॉज इस ट्रिप का मकसद सिर्फ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना था, बाकी कहीं जाना या एक्सप्लोर करना नहीं था इतना। और एक झलक यहाँ से मुरुड़ जंजीरा फोर्ट की, चलो नेक्स्ट टाइम। सो नेक्स्ट टाइम के लिए कोंकण प्लान, जब भी करेंगे हम लोग कोंकण राइड तब आएंगे। क्या नज़ारा है यार, क्या ब्यूटीफुल है। चलो ऑन द वे टू अलीबाग नाउ। तो देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए मुरुड़ बीच। यहाँ रुकने का वैसे कोई इरादा नहीं है, बट रास्ते में आया तो सोचा आपको दिखा दूँ। अरे काका क्यों थूक रहे हो यार रास्ते पे। सो अलीबाग है 50, पनवेल है 110, और पुलिस स्टेशन है 0। नहीं भाई, पुलिस स्टेशन नहीं जाना, अपने को अलीबाग जाना है। ये फोर्ट भी हमारी लिस्ट में है, नेक्स्ट टाइम ज़रूर विजिट करेंगे, सिद्दी शाह महमूद खान पैलेस। तो वैसे तो दो ही डंडी गया था, पर सोचा कि टैंक फुल कर ही लूँ, फिर बीच में कहीं रुकना नहीं है। सो एक मुरुड़ के बाद छोटा सा ब्रेक, पेट्रोल ब्रेक और वॉशरूम ब्रेक। और राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम हो गया है 1:20, और हम लोग पहुँचे काशिद बीच, और नारियल पानी पीने का बहुत मन कर रहा है। सो देखते हैं कहाँ है नारियल पानी वाला।
काशिद बीच वीकेंडर्स वालों के लिए बहुत फेमस है, मतलब बहुत रश रहता है यहाँ पे। सो दिवेगढ़ के बाद मतलब यहाँ पे आज रश मैंने वापस देखा यहाँ काशिद पे। सो कुछ कुछ बीचेस जो है यहाँ पे काफ़ी फेमस है और उन पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है। तो सो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो और आप थोड़ा गूगल करके भी देख सकते हो कि कौन से बीचेस पे जाना चाहिए और कौन से बीचेस पे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज सारा एडवेंचर वगैरह जो है वो इन कुछ बीचेस पर ही ज़्यादा रहता है कंपेयर टू अदर बीचेस। भैया बस फंस गए अब ट्रैफिक में, अब लग गए क्या ये रहा ये एक्टिवा वाला भी, अरे बाप रे लंबा जाम है लगता है। सो एक क्विक अपडेट, अभी हम लोग रायवाड़ी करके कोई छोटा गांव है वहाँ पे रुके हैं, थोड़ा ब्रेक लेना था इसलिए कब से ब्रेक भी नहीं लिया था। और करिश्मा गई है थोड़ा फूड बाज़ार में कुछ ख़रीदने के लिए, पापड़ वगैरह और आई थिंक मसाले वगैरह अच्छे मिल जाते हैं तो वो थोड़ा लेने गई है। तो हम लोग घर पे जाके फिर डेली खाने के साथ खा सकते हैं पापड़ वगैरह। तो अगर आप ये साइड आते हो और ऐसा फूड बाज़ार दिखता है तो वहाँ से आप शॉपिंग ज़रूर कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये सारी आइटम मोस्टली घर में बनाई जाती है। तो 2:30 बजे हम लोग अलीबाग पहुँचे और सोचा कि कस्तूरी में खाना खाएंगे, लेकिन कस्तूरी में रश इतना था कि लाइक 45 मिनट्स खड़े रहने के बाद भी हम लोगों का नंबर नहीं आया। और हम लोगों में इतना पेशेंस नहीं है कि हम लोग ज़्यादा टाइम वेट कर सके, बिकॉज ऑलरेडी 3 बज चुका है और सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं है। सो वी थॉट टू लीव अलीबाग एंड वी स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स मांडवा। और अभी जहाँ पर हम लोगों को अच्छा रेस्टोरेंट दिखेगा हम लोग वहीं पर खा लेंगे, नॉट नेसेसरीली कि सी फूड ही खाना है, कुछ भी चलेगा। सो सी यू इन द रेस्टोरेंट नाउ। तो हम लोग रुके हैं होटल पूर्ण ब्रह्मा में जो कि ऑन द वे है अलीबाग और मांडवा के बीच में, फैसिलिटी काफ़ी यहाँ पर बैठने के लिए। एंड हमने ऑर्डर किया है चिकन थाली, प्रॉन्स फ्राई और सोल कड़ी। तो ये आ गया है प्रॉन्स फ्राई, ये आ गया है चिकन थाली, देखने में तो अच्छी लग रही है, काकी पता करते कैसा है। तो पराग गौड़े हमको यहाँ मिल गए पूर्ण ब्रह्मा रेस्टोरेंट में, वो लोग भी खा रहे थे हमारे साथ, हम भी खा रहे थे। तो ये थाना से है राइट, बहुत अच्छा लगा पराग आपको मिलकर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मस्त तो खाना था इधर पूर्ण ब्रह्मा में खा के हुआ, प्रॉन्स मस्त था, चिकन थाली भी मस्त थी। ऑल राइट, अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन और हमारे सफर का रिटर्न लेग का दूसरा स्टेज M2M फेरीज। ऑल राइट हम लोग पहुंच चुके हैं किहीम और टाइम बच चुके हैं 4:15। टोटल किलोमीटर हो चुके हैं 318, क्या बात है, डेली का 100 किलोमीटर का एवरेज, मतलब ऐसे ही कुछ अभी तक। वैसे तो और बाकी है, घर भी जाना है 40 किलोमीटर चला के M2M फेरीज के बाद, वो भी गिनना पड़ेगा। सो M2M फेरीज का अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया है कि आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड होना है एज़ पर द न्यू रूल्स, और आपको जो भी आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट या जो भी यूनिवर्सल पास वगैरह वो कैरी करना है। सो टाइम ऑफ बोर्डिंग इज़ 5 PM एंड अभी हो रहे हैं 4:18। फाइनली वी हैव रीच्ड M2M फेरीज का पार्किंग लॉट एंड द प्लान इज टू बोर्ड द बाइक एज सून एज पॉसिबल। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है एक मिनट डन, चलो अपना टिकट है इसमें, अपना रिटर्न का टिकट भी बता देना आज का, थैंक यू। वैक्सीनेशन के लिए बहुत कड़ा के भाई, अभी सब लोग एकदम, अभी फटाफट टिकट लो, अपनी बाइक जाएगी फटाफट, बाइक सबसे आगे एक नंबर। क्या बात है, ओहो जावा मर जावा मिट जावा लुट जावा, ले भाई फोटो निकाल लो। चलो सो आई मेट रक्षंदा हियर M2M फेरीज पे, इनका इंस्टाग्राम पे पेज उनको जरूर फॉलो कीजिए। सो शी इज वेटिंग फॉर अवर बोट, हमारे साथ ही सारे बाइकर्स। सो देखिए इनका कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ तो वैसा मत करना, प्रॉपर टाइम टू टाइम आना, ठीक है। हियर वी गो M2M फेरीज, ये मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, खुशी मिल रही है। आई एम बिहेविंग लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, वो तो मैम की बोट मिस ही नहीं करना चाहती आज, फुल ऑन सबसे पहले। करिश्मा टिकट, ये धमाका कर दिया बाइक वालों ने तो, धड़ाधुड़, क्या बात है, एक नंबर। हाँ फुल, यस यस। सो फिलहाल शाम के लिए मैंने अभी लिए 2 कैपेचिनोस, मी एंड करिश्मा having 2 cappuccinos now.
बिकिनी और इसका मेकअप चालू। रसे खुल जा सिम सिम। अरे ऐसे थोड़ी यार। धूम मचा ले। भाई खोल दे। क्या बात है। वाह 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 वाह। चलो बाय। चलो सर थैंक यू वेरी मच। क्या रात को दो तीन जने जा रहे क्या। फाइनली फाइनली आमची मुंबई आई एम बैक आफ्टर 3 days एंड 2 nights। सो स्टेज 2 कंप्लीट। मुंबई पहुंच चुके हैं। अब स्टेज 3 यहां से घर तक जाना है जो कि एक टास्क है अपने आप में। मुंबई का ट्रैफिक आपको पता है कैसा है। सो अभी डायरेक्टली मिलते हैं आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। फाइनली फाइनली होम स्वीट होम। टाइम हो गया है 9:15 और किलोमीटर्स हो गए 375। मतलब एवरेज 125 किलोमीटर पर डे के हिसाब से राइड किया है। ऑलराइट सो आपको पता है क्या करना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और देखते रहना है अंडर द स्काई।